नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला एच 50 अल्ट्रा 5G वर्सेस मोटोरोला एच 50 फ्यूजन 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 50 अल्ट्रा में 6.34 इंच जबकि 50 फ्यूजन में 6.38 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 50 अल्ट्रा में 2.85 इंच जबकि 50 फ्यूजन में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 50 अल्ट्रा में 0.34 इंच जबकि 50 फ्यूजन में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 50 अल्ट्रा में 197 ग्राम जबकि 50 फ्यूजन में 175 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 50 अल्ट्रा में 6.7 इंचेस जबकि 50 फ्यूजन में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 50 अल्ट्रा में 1220x2712px FHD+ और 50 फ्यूजन में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 50 अल्ट्रा में 92.95% जबकि 50 फ्यूजन में 90.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 50 अल्ट्रा में 444 पिक्सल प्रति इंच जबकि 50 फ्यूजन में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 50 अल्ट्रा में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और 50 फ्यूजन की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 50 अल्ट्रा में 18 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 50 फ्यूजन की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 50 अल्ट्रा में Adreno 735 जबकि 50 फ्यूजन में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 50 अल्ट्रा में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और 50 फ्यूजन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 मिलता है। बात करें रैम की तो 50 अल्ट्रा में 12GB की रैम मिलती है जबकि 50 फ्यूजन में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो 50 अल्ट्रा में 512GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 50 फ्यूजन में 2 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी 50 अल्ट्रा में 4500 mAh जबकि 50 फ्यूजन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 50 अल्ट्रा में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है
जो कि 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 56,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 50 फ्यूजन की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 27,900 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Motorola Edge 50 Ultra 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Motorola Edge 50 Fusion 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 50 अल्ट्रा आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 Pro 5G है, दूसरा Samsung Galaxy S24 5G है, तीसरा Google Pixel 8a 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT60 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।